तो आज की कहानी है हमारे ओडिशा का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो दुनिया भर में फेमस है, जी हाँ, रथ यात्रा के बारे। तो आज है 30 जून और कल है 1 जुलाई, मतलब कल है रथ यात्रा। और मेरा भाई एक आया हुआ है झारखंड से रथ यात्रा देखने के लिए, पर मैं उड़ीसा का होकर के भी आज तक नहीं देख पाया। जब मैं छोटा था बचपन में, तब हम लोग छोटा रथ बना के जगन्नाथ जी को लेकर के गली गली घूमते थे, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो हर कोई रथ यात्रा में शामिल होने के लिए एक ना एक दिन सोचा होगा, और ये दिन मेरे लिए आ गया और मैं ये चांस कभी भी गंवाना नहीं चाहता। तो कल है रथ यात्रा और कल पुरी में किसी को घुसने नहीं देंगे, तो इसलिए मैं एक दिन पहले निकल गया पुरी के लिए। तो भाई लोग पहुंच गए हमें पूरी, और यहाँ पे फ़िलहाल क्राउड बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे का सीन क्या है, और वो रहा तीनों रथ, और आज इतना ज़्यादा क्राउड है, लिटरली देख के हैरान हूँ मैं। 2 साल बाद ये चीज़ हो रहा है, तो दुनिया भर से लोग आया है, तो क्राउड तो पक्का होगा। और वहाँ पे फ़िलहाल कुछ कीर्तन पूजा पाठ ये सब चल रहा है, तो चलो देर ना करते हुए पहले भीड़ के अंदर चलते हैं रथ के पास। लेट्स गो। कल रथ यात्रा है और आज रथ के सामने हजारों भक्त का जय जयकार। फिर सब लोग दिन रात मेहनत करके रथों को सजा रहे हैं और अनगिनत भक्तों का कीर्तन और जय जयकार प्रभु के लिए। धीरे धीरे रात बढ़ता गया, पर भक्तों की आंखों में नींद नहीं था, बस प्रभु के भजन में लीन थे सब। फिर मैं वहां से निकल गया और भाई के साथ डिनर किया, एंड देन होटल में जाकर के सो गया। तो भैया, कल हम लोग यहाँ पे आने के बाद पुरी में दर्शन तो मैंने नहीं किया, और बस रथ का सब शूट वूट करके फिर आ गया था, क्योंकि रात बहुत हो चुका था। और रात होने के बाद मैंने तुम्हें इस भैया से मुलाकात करना भूल गया था, मेरे इस भरत भाई। और आप लोगों ने अगर लद्दाख वाले ब्लॉग देखे होंगे तो पक्का पता होगा आपको इनके बारे में। नहीं बताया ना, क्योंकि अब थोड़ा सा बाल उग गए। अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और हम लोग लेट हैं, क्योंकि मतलब मैं ही लेट हूँ, और रात 3 बजे तक एडिटिंग वगैरह करते करते मेरा सोते सोते 3-4 बज गया था। जैसे कि मैंने रील्स फ़ोटोज़ अपलोड किया है इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेक कर सकते हो, तो उसी वजह से लेट हो गया था। और तो अभी हम लोग निकले पैदल, क्योंकि यहाँ पे बाइक वाइक अलाउ नहीं करते। मेरा बाइक होटल में छोड़ के हम लोग चल चल के जा रहे हैं, बाकी लोग भी यहीं पे सब चल के ही जा रहे हैं। तो भरत भाई, जी भाई, पहली बार रथ यात्रा एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो क्या तुमको कैसा लग गया? देखने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे। देखा नहीं, जब देखूँगा तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। कल देख के आया सच रहा था। मेरा भी वही, आज तक मैंने कभी भी देखा नहीं है, तो लाइक एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा हूँ। जगह पे जाके देखते हैं कितना भीड़ होता है, क्या होता है, वह वहाँ पे जाकर के देखते हैं। तो लेट्स गो। फिर एक ऑटो पकड़ के हम सीधा निकले मंदिर की ओर, और ऑटो जहाँ तक हमें ले आया वहीं से हम पैदल चलना शुरू किया।
और रास्ते में देखा तो कुछ लोग भक्तों को शरबत, तो कोई नींबू पानी, तो कोई पानी दे करके लोगों की हेल्प कर रहे थे। और ऐसे ही हम देखते देखते पहुंच गए बड़ोदंडा, और बड़ोदंडा में लगा था बहुत ज़्यादा भीड़, लाखों लाखों भक्त। जी हाँ, तीनों रथ के सामने सब खड़े थे, सबको प्रभु की दर्शन करनी है। और इस भीड़ में कैसे ना कैसे करके मैं रथ के रस्सी को छू करके बाहर आके देखा तो कोई गा रहे थे, तो कोई नाच रहे थे प्रभु की भजन में। तो भाई लोग, भीड़ बहुत होने के कारण हम रथयात्रा से, मतलब हमारे बड़ोदंडा से थोड़ा सा साइड में आके खड़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। धक्का मुक्की इतना ज़्यादा था कि मतलब उसके अंदर मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतना तेज़ धक्का मुक्की चल रहा था और इतना जाम है। तो अभी थोड़ा सा बाहर आया, और वहाँ पे मेन रीज़न है कैमरा मोबाइल कुछ भी निकाल नहीं पा रहा था। रीज़न है मतलब कॉन्स्टेंटली वो लोग पानी कर रहे थे, और जिसकी वजह से कैमरा निकाल ही नहीं पाया। तो बाहर आ गए, तो अभी चलते हैं। कुछ अभी टाइम बच रहा है 1, और अभी चलते हैं लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद फिर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है अपना रथ यात्रा का, यात्रा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो होने के बाद फिर ज्वाइन होते हैं। लेट्स गो। फिर हम इस होटल के अंदर गए, और यहाँ पर भी बहुत भीड़ था, तो किसी तरह खा के हम आ गए वापस। तो भैया, हम लोग फिर से आ गए बड़ोदा में, और यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत भीड़ है, और हमारा अभी भी आ रहा है स्लोली स्लोली। लोग 1 घंटे के बाद भी यहाँ पे वापस आकर के जॉइन हैं, पर फिर भी अभी भी कंडीशन ऐसा है, थोड़ा स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है रन, और बहुत भीड़ है, बहुत सारे जगह से पूरा है, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, और इतना जाम बाप देख लो आगे एक बार। दो साल बाद आज वो दिन आ गया जिस दिन के लिए पूरे दुनिया भर में जगन्नाथ प्रेमी, सनातन धर्म और भी ऐसे लाखों करोड़ों भक्त इंतज़ार करते हैं। 2 साल कोविड के वजह से ये फेस्टिवल नहीं हुआ था, तो अब 2 साल बाद भक्तों को उनकी भगवान को देखने से कौन रोकेगा। दुनिया भर से लाखों लोग आए हैं, ऐसे हजारों लोग पैदल भी आए हैं, बस जगन्नाथ जी की एक झलक पाने के लिए। जी हाँ, और जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए उनके मंदिर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद भक्त के बीच आएंगे। वैसे हिंदू लोगों को छोड़ के अलग रीजन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश अलाउ नहीं है, पर आज वो दिन है। आज के दिन भगवान सभी भक्तों के लिए सेम है, हिंदू के अलावा अलग रीजन लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान जी खुद बाहर आके सबको दर्शन देंगे। इसी कारण की वजह से हिंदू के अलावा भी लाखों लोग आते हैं रथ यात्रा देखने पूरी में। फिर थोड़ी देर बाद रथ चलना शुरू हुआ, तो पहला रथ जो सबसे आगे चलता है वो है ताड़ध्वज, जो कि बलभद्र जी का रथ का नाम है। फिर कुछ देर बाद माता सुभद्रा की रथ आई, जिसका नाम दर्पदलन है। फिर वो जाने के बाद धीरे धीरे क्राउड और भी ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी का रथ आने वाला है और सब लोग उसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी के बीच कई सारे लोगों को एम्बुलेंस में भर्ती करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्योंकि लाखों के तादाद में लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था ऊपर से, और बारिश भी नहीं हो रहा था, तो किसी ना किसी कारण के वजह से उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब प्रतीक्षा की घड़ी गई, क्योंकि अब नंदीघोष में बैठे श्री जगन्नाथ जी आगे बढ़ने लगे हमारी ओर, और ये देख के लाखों भक्तों में एक अलग ही जोश आ गया। उस वक्त मैंने देखा क्या है वो इमोशन लोगों का भगवान के प्रति, वो श्रद्धा भरी नज़र, वो भगवान के प्रति चाहत, एक अलग ही सीन था वहाँ पे। सभी लोग बिल्डिंग के छतों के ऊपर से ये नज़ारे देख रहे थे। जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर से पुजारी लोग भी
प्रसाद बांट रहे थे सभी भक्तों को, पर किस्मत वालों को वो भोग मिल रहा था, सबको नहीं। फिर जगन्नाथ जी आगे बढ़ के चले गए अपने मौसी के घर के ओर, यानी गुंडीचा मंदिर। फिर सारा भीड़ ख़त्म हो गया और मैं रथ गुजरने के बाद पहिए के नीचे से थोड़ा सा मिट्टी लेके अपने माथे पे लगाया। कहा जाता है कि वो शुभ होता है, तो वो लगाने के बाद मैं सीधा वहाँ से आ गया वापस अपने होटल के ओर। तो भैया देख रहे हो मेरा कंडीशन, एकदम पूरा एकदम टायर्ड हो चुका हूँ और पूरा एकदम पसीना पसीना हो चुका हूँ, एकदम से अलग ही थकान चढ़ी है। सुबह से बस धक्का मुक्की खा रहा था, दिन भर पता नहीं कितना धक्का कितना मुक्का खाया, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। फिर हम सीधा अपने होटल वापस आ गए, सोचा थोड़ा फ्रेश होके रेस्ट ले लूंगा, बट तो भैया फ्रेश तो हो गए और अभी हम सोचा कि बेड में सोने से बेहतर है थोड़ा बीच ही घूम ले। यहाँ से बस 100 मीटर दूर है, मतलब हमारे होटल से 100 मीटर दूरी डिस्टेंस पे है। और भरत भाई देखो पूरा एकदम स्पोर्ट्स मोड में जा रहा है, अभी जाके कूदने वाला है। मेरा अभी तक वैसा कुछ प्लान नहीं हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जा कर के। अगर प्लान चेंज हुआ तो मैं अभी पानी में कूद जाऊँगा। अभी वक्त हुआ है कुछ रात के 10:30, पर लग रहा था जैसे वक्त धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बारिश का किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बिजली कड़क रही थी हर पल, पर किसी को डर ही नहीं था। बस सबको भगवान के दर्शन करनी है और दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हुआ हमारा रथ यात्रा और उसी रात को वापस मैं आ गया अपने घर। और व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक चीज़ कहूँगा जाते जाते, जय जगन्नाथ।